आज के बाद सुबली को किसी के यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये सुबली बिजनेस करेगी। क्या? शुरू हो जाओ। चूड़ी चूड़ी सुबली की रंग बिरंगी चूड़ी। काका वहाँ से सरकारी कर्मचारी सबकी दुकान उठा रहे हैं। क्या? सामान उठाओ, डालो गाड़ी में, चलो। नहीं साहब, साहब मेरी चूड़ियां मुझे वापस दे दो साहब, मत लेकर जाओ। ए क्या नाटक है, चलो यहाँ से, हमारा हमारा काम करने दो। ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैर फटती हूँ, पैर फटती हूँ, मुझे मेरी चूड़ियां वापस दे दीजिए, मत ले जाइए इन्हें। अरे वाह, एक तो बिना लाइसेंस के सड़क पे दुकान लगाती है, ऊपर से कहती है मेरी चूड़ियां वापस कर दो। हाँ नहीं मालूम, मुझे इतना भी नहीं मालूम, बिना लाइसेंस के सड़क पर दुकान लगाना गैर कानूनी है। मैं भवानी माता की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन साहब अभी आपने बता दिया ना, तो मैं बनवा लूंगी। आप वो कह रहे हैं वो मेरी चूड़ियां मत लेकर जाइए। पागल है क्या? मत लेकर एक बार बोला नहीं तो नहीं, निकलो यहाँ से। ए, चलो सामान उठाओ, चलो गाड़ी में डालो। चलिए। अरे हाँ हाँ मम्मी जी, परफेक्ट लाडू बाप। देखिए आप ऐसे करिए। नहीं, हाँ। नहीं नहीं, लाबहू रहने दो, ये मुझसे नहीं होगा। अगर तुझे डांस सिखाना ही है ना, तो तेरी सास बकुला को सिखा। अरे लाडू बाप कोशिश तो कीजिए ना, हो जाएगा। अरे ये कोशिश किसी जंग से कम नहीं है, मुझे माफ कर दे। अरे मम्मी जी समझाइए ना। देखिए बाप, अगर आप अकेले डांस नहीं करेंगे ना, तो मैं भी अकेले डांस नहीं करूंगी। अरे वाह 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 वाह, ये सब डांस वांस क्या चल रहा है? किसी कंपटीशन में पार्ट लिया है क्या? कंपटीशन नहीं ऋषि भाई, आपकी शादी के संगीत की प्रैक्टिस चल रही है। मैंने तो एक इवेंट वाले को बुलाकर पूरा प्रोग्राम सेट कर दिया है, पर देखिए ना आप, ये लाडू बा और मम्मी जी ना डांस करने के लिए मना कर रहे हैं। ऋषि भाई आप समझाइए ना। दैट्स ग्रेट इला भाभी, और आप लोग क्यों मना कर रही? मैंने देखा इतना अच्छा डांस तो कर रही थी आप लोग। अरे ऋषि बेटा, मेरा तो ये सब करने का पहले ही से मन नहीं है, लेकिन ये इला मान ही नहीं रही। अरे तेरे दादाजी देखेंगे तो क्या कहेंगे पता है? लाडू इन बच्चों में तो अकल नहीं है, लेकिन तुम्हारी अकल कहाँ चली गई है? इस उम्र में नाच गाना करते हुए अच्छा लगता है क्या? और हाँ, अगर तुम्हें संगीत में भाग लेना ही है तो भजन गाओ, संगीत के सुरों के साथ माहौल भी खिल उठेगा, ऐसा कहेंगे। और क्या कहेंगे दादाजी? और कहेंगे कि बोलो। वो मैं कब से इला बहू को मना कर रही हूँ कि मैं डांस नहीं कर सकती, लेकिन वो जबरदस्ती कर रही है कि मुझे बकुला के साथ डांस करना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह डांस की प्रैक्टिस करने की, और इन बच्चों के सामने तुम मेरी मेरी नकल कर रही हो? वो मैं क्या, वो मैं मुझे नहीं कह सकती थी तुम। और ये क्या सिर्फ तुम्हारे पोते की शादी है? मेरा पोता नहीं है वो। ये बकुला वो के साथ डांस की प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? तुम्हें डांस ही करना है ना, तो मेरे साथ करो, मेरे साथ। कर सकती हो कि नहीं? कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो करो ना डांस की प्रैक्टिस। अब जरा मुझे भी बताओ कि वो ठुमका कैसे बनता है, ठुमका। हाँ
शादी के पैसों के बारे में क्या करना है? मैं क्या सोचूंगी? हे भवानी माता, अब तू ही कोई रास्ता दिखा दे प्लीज। बस 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 मासा, ए शिवली बेटी, ये लो संभालो अपनी चूड़िया। बेटा वो चूड़िया निकाल। मासा ये सारी चूड़िया वो पागल ने आपको कैसे दे दी? अरे बेटा वो लोग पागल नहीं थे, वो लोग तो बस अपना काम कर रहे थे। मैंने उन लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट की और वो लोग मान गए। थैंक यू मासा, थैंक यू। लेकिन बेटा एक बात बता, तू ये चूड़ियों का बिजनेस कब से करने लगी? बस अभी 10 दिनों में तो तेरी शादी है ना मासा। वो बात ये ना कि नानू मेरी शादी के लिए पैसों को लेकर बहुत परेशान है, तो मैंने सोचा कि ये चूड़ियों का बिजनेस करके उन्हें थोड़ी मदद कर दूंगी। लेकिन आप ये बात नानू को मत बताना। हाँ नहीं बताऊंगा, वादा। और वादे के साथ मेरा ढेर सारा आशीर्वाद भी, तेरा ये बिजनेस खूब चले। थैंक यू मासा, थैंक यू मासा। अच्छा चलता। हाँ अरे मासा एक मिनट, ये चूड़िया मेरी सल्लू को दे देना, उसकी भी शादी होगी ना तो उसे काम आएगी। हाँ? अच्छा बेटा जीती रहे। थैंक यू मासा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मासा। कैसे कहूँ तुझे सुन कि तेरी शलाखा ने तेरे हाथों में शादी की चूड़ियां सजे, इस कारण अपने हाथों से शादी की लकीर मिटा दी। चूड़िया तो मिल गई पर अब इन्हें बेचेंगे कहाँ? वहां भी वापस नहीं ले जा सकते, बार बार बचाने मासा थोड़ी ना आएंगे। और एक दिन की जितनी कमाई सोची थी उतनी तो हुई भी नहीं, अब क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। वाह लाडू पा, आपसे पहले ये स्टेप हो ही नहीं रहा था पर अब आपने एकदम परफेक्टली किया है। तेरे दादाजी का साथ हो तो मेरी जिंदगी का हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। क्या बात है लाडू बाप, क्या बात कही आपने तो। ए हमारी बाबा करनी छोड़, चल तू भी प्रैक्टिस कर, संगीत में तुझे भी हिस्सा लेना है। हाँ हाँ ऋषि भाई चलिए, आपके डांस का मैं आपको सारे स्टेप्स बता देती हूँ। नहीं इला भाभी, वो मैं डांस प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं दे पाऊंगा। एक्चुअली मैं यही बताने के लिए यहाँ आया था कि मुझे एक कॉन्फ्रेंस के लिए बैंगलोर जाना पड़ रहा है एज ए गेस्ट लेक्चरर, और मुझे वहाँ के स्टूडेंट्स को एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट पर लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया गया है। सो अरे ऋषि ये क्या बात हुई, 10 दिन के बाद तेरी शादी है और तू बैंगलोर जाना चाहता है? हाँ ऋषि भाई आपको ये टूर कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ ऋषि बेटा तू मना कर दे उन लोगों को, तू नहीं जा सकता। आप कहिए ना इसे। अब जाने भी दो इसे। पर बापूजी वैसे भी यहाँ रह के वो क्या करेगा, सिर्फ दूल्हा बन के मंडप में बैठना ही तो है, है? जा बेटा जा, आराम से जा और फतेह कर। मैं अभी तेरी बेंगलोर की टिकट बुक करवा देता हूँ। नहीं दादू, वो टिकट मैंने ऑलरेडी बुक करवा ली है। क्या उससे पूछे बिना ही? अब पूछ लिया ना,
और मैं जानता हूँ कि मेरे दादू मेरे काम में बिल्कुल बीच में नहीं आए। होशियार हो गया है, यहाँ रहता नहीं है लेकिन सबकी आदतों की इसे पूरी समझ है। अरे हीला बाबू, अरे मम्मी जी आइए ना। हीला बाबू वो रविश का लैपटॉप है क्या? हाँ है ना मम्मी जी, एक मिनट प्लीज बेटा, इंटरनेट ऑन करके लाओ। इंटरनेट क्यों? देख अभी मैं जो तुझे बताने जा रही हूँ ना वो तो किसी को मत बताना। जी ओके। मैं ना ऋषि और सुभा को उनकी शादी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती हूँ। ऋषि सुभा को शादी के बाद तुरंत लंदन लेके जाने वाला है लेकिन वहां तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपार्टमेंट शेयर कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन दोनों को ना वहां पे एक विला गिफ्ट कर लूं। लंदन में विला? उसकी कीमत तो करोड़ों में होगी ना मम्मी जी। हाँ बेटा लेकिन हमारा ऋषि भी करोड़ों में एक है ना। तू लैपटॉप पे देखना, उन्होंने कहा है कि मैं ऑप्शंस देख लूं और फिर वो फाइनल करके डील करवा लेंगे। तो हम लोग ऑप्शंस देख। जी अभी देखते हैं। ये देख, ये देख बेटा कितना बड़ा और सुंदर है, बिल्कुल पैलेस जैसा लगता है ना। मेरा ऋषि सुबह को रानी की तरह रखेगा है ना। ये अच्छा रहे, मैं उन्हें ये दिखा कर आती हूं। गांव की गवार लंदन जाकर पैलेस में राज करेगी। पीला कॉफी पिलाओ ना। नहीं मिलेगी। गांव की गवार लंदन जाकर पैलेस में रानी की तरह राज करेगी और मैं यहाँ आपके लिए कॉफी बनाता। क्या मत दीदी, नाराज क्यों? अपनी किस्मत पे नाराज। रविश मुझे एक बात बताइए, आप ऋषि भाई की तरह लंदन पढ़ाई करने क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं ऋषि की तरह पढ़ाई में होशियार नहीं हूँ इसलिए। थैंक्स हाँ एक्सेप्ट करने के लिए। अच्छा छोड़िए, मुझे ये बताइए कि हमारी शादी में मम्मी जी और पापा ने आपको क्या गिफ्ट दिया था? अरे बहुत ही स्पेशल गिफ्ट दिया था, 20 लाख की गाड़ी दी थी, 20 लाख की, भूल गई। और ऋषि भाई को 20 करोड़ का विला दिया जा रहा है। मतलब? इसका मतलब ये कि ऋषि भाई और आप में कितना भेद किया जाता है। कोई बात नहीं, हो जाने दो शादी, शादी तक मैं कुछ नहीं कहूँ लेकिन उसके बाद देखिए कैसे मैं आपके और मेरे हक के लिए लगती हूँ। यहाँ ना ही कोई भेदभाव किया जाता है और ना ही तुम्हें किसी के हक के लिए लड़ने की जरूरत है। और एक बात समझ लो, ये हमारी फैमिली है, फैमिली के साथ खड़ा रहा जाता है, सामने नहीं, समझी? तो रहूंगी ना, हंसते हंसते साथ खड़ी रहूंगी मगर एक हद तक। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, अच्छी अच्छी चूड़ी, चूड़ी ले लो चूड़ी। सुबह ये तो क्या चूड़ियां बेच रही है? हाँ ये तो क्या चूड़ियां बेच रही है? आपको किसने बताया? किसने बताया मतलब कब से नींद में बड़बड़ा रही थी तू? हाँ तो नींद में तो फिर बड़बड़ा रही थी ना, मैं क्यों चूड़ी बेचूंगी। जय महादेव नाना जी। जय महादेव। चले उठ सुबह, देख तेरी बानर सेना भी आ गई।
महादेवी। मैंने तुझे बोला था ना कि हम अहमदाबाद जाके चूड़िया बेच के बहुत सारे पैसे कमाएंगे। वो तो भूल ही गई। लेकिन नानू को क्या बोलेंगे? कुछ भी झूठ बोल देना। चाहता है ना, चुगली कभी झूठ नहीं बोलती। नाना जी को हम कुछ नहीं बताएंगे और शाम को हम उनके हाथ में बहुत सारे पैसे देंगे, वो खुश हो जाएंगे। हे, आज क्या करने वाली है तुम्हारी वानर सेना? आज आज ना हम आपको शाम को बहुत खुश करने वाले हैं। पता है मुझे कितना खुश करने वाले हो। चल निकलता हूँ। जय महादेव। आज अच्छा सुनो, अब मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर फटाफट अहमदाबाद के लिए निकलते हैं। ये क्या हुआ? क्या ये सब क्या है? अरे कुछ नहीं बेटा, थोड़ी सी मोच आ गई है। अरे मोच आ गई पर कैसे? अरे वो इला वो ने संगीत ऑर्गेनाइज किया है ना ऋषि की शादी के लिए, तो उसी के लिए बा ना प्रैक्टिस कर रही थी, तो बस मोच आ गई जरा सा। बकुला कुछ करने से पहले सोच सो लिया कर। बा इस उम्र में डांस करेगी, पारेख परिवार सबके सामने डांस करेगा, कैसा लगेगा इसे? तो मजाक बनकर रह जाएंगे सबके सामने हम। ये सब यहीं पर बंद करो। और तुम इला को कुछ कह नहीं सकते क्या? तुम भी उसके सामने कुछ बोल नहीं सकते? हाँ बा, कोई डांस वांस करने की जरूरत नहीं, आप आराम कीजिए। मैं अजीब इंडो वेस्टर्न और क्लासिकल डांस ग्रुप को बुक कर लेता हूँ। बड़े बड़े पॉलिटिशियन आने वाले हैं, देश विदेश से हमारे क्लाइंट आने वाले हैं, ये सबकी कोई जरूरत नहीं है, बंद करो इसे। हाँ हाँ बुला ले बुला ले। लेकिन उन सबको बुलाने से पहले मुझे ये बात बता, क्या उनके डांस में अपने पन की वो महक होगी? उन रिश्तों में वो मिठास होगी? और तू शर्माने की बात कर रहा है कि लोगों के सामने परफॉर्म करेंगे तो हमें शर्म आएगी, तो शर्म किस बात की? हमें ठीक से नाचना नहीं आता, इस बात की? अगर हमें इस तरह नाचते हुए देखकर उन्हें हंसी आती है तो हंसी आने दो, एंटरटेनमेंट का ये एक नया जरिया हो जाएगा। लेकिन बाबूजी, तू बस ऋषि के बारे में सोच, अपने क्लाइंट्स और अपने कलीग्स को क्या अच्छा लगेगा ये सोचने की जगह ये सोच कि ऋषि को कितना अच्छा लगेगा कि उसकी शादी में उसके दादा दादी, उसके माँ बाप, उसके भाई और भाभी खुलकर नाचेंगे। और हाँ, तू भी डांस की प्रैक्टिस शुरू कर दे, समझा? हाँ इलावाओ, मैंने सही कहा ना? हाँ और हाँ बकुलावाओ, दूल्हे के बाप को शादी में नचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। गोविंद भाई की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं, और बेटा अगर हम इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे तो वो बेचारे अपने आप को बहुत छोटा महसूस करें। देखिए बाबूजी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो तू ये मान के चल, ये तेरे बापू का आदेश। टेम्पो वाला कभी आएगा? ये शुभली की साइकिल, हम टेम्पो में रखे अहमदाबाद जाएंगे तो उसके भी पैसे लगेंगे ना? हाँ देने होंगे, पर तू उसकी चिंता मत कर, हम अहमदाबाद जाके बहुत सारे पैसे कमाएंगे। हाँ क्या हुआ शुभली, क्या सोच रही है तू? यही कि जब हम अहमदाबाद जाकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे और शाम को नानू को लाके देंगे तो कितने खुश हो जाएंगे ना? हाँ हाँ तो बस देख,
हम अहमदाबाद जाके कितने पैसे कमाते हैं। हाँ, और देखना उसके लिए मैं बड़ी वाली पोटली भी लाई हूँ। बस अब हम एक बार जल्द से जल्द अहमदाबाद पहुँच जाए और जल्द से जल्द ये पोटली भर जाए। हाँ हाँ, आज की मीटिंग बिल्कुल फिक्स है। ओके, रसिक बेटा, बाबूजी मेरी कही हुई बात से नाराज है? देख बेटा, मैं भी चाहता हूं कि ऋषि की शादी धूमधाम से हो, लेकिन गोविंद भाई की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं है। और बेटा, अगर हम इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे तो वो बेचारे अपने आप को बहुत छोटा महसूस करेंगे। देखिए बाबूजी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं और होऊंगा भी नहीं। तो तू ये मान के चल कि ये तेरे बापू का आदेश। ऋषि बेटा, ये बैग लेकर कहां जा रहे हो तुम? हाँ, बेंगलोर में MBA के स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए इसे खास बुलवाया गया है। चलता हूं दादाजी। बाय डैड। अरे देखना, जब मेरा ऋषिडा वहां जाके लेक्चर देगा ना तो सब पर छा जाएगा। अरे सब चौकन्ने होकर उसे देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। अरे क्या मेरे बेटे की नॉलेज है, क्या उसकी पर्सनालिटी है, छा जाएगा सब पर। अरे मेरा ऋषिडा तो ऋषिडा है, ऋषिडा। बाबूजी आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि कहां मेरा ऋषि और कहां ये सुबह। वो घर देखा? चलो उसके अंदर जाकर पूछते हैं किसी को चूड़िया चाहिए या नहीं। चलो चलो। हाँ, बेटा सुबह और ऋषि की शादी की ये तुम्हारी गिफ्ट। नो नीड बाबूजी, मुझे इस तोहफे की कोई जरूरत नहीं है। थैंक्स। देखिए बाबूजी, मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि मैं ये शादी नहीं करवाना चाहता।